एकलव्य क्लासेज सीईटी के नए बैच शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एकलव्य क्लासेज न्यू बस स्टैंड के सामने सिरसा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। राजस्थान के किसानों के लिए ये वीडियो जो है वो खास करके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लगातार फ़ोन जो है वो उन किसानों के मेरे पास आ रहे हैं कि राजस्थान की ओर पानी छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया, ओटू हेड की अपडेट क्या है वो दिखाइएगा। तो खास करके उन लोगों के लिए, और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो जिन किसानों के खेत ओटू हेड से निकलने वाली नहरों पर लगते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। फिलहाल मैं ओटू हेड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ओटू हेड में पानी की मात्रा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो जिस प्रकार से बरसात हुई, तो बरसात होने के बाद वो ओटू हेड का पानी जो है वो दो से तीन दिन पहले यहाँ पे आना शुरू हो गया था। और अब आप देखिएगा कि वनस्पति यहाँ पे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ओटू हेड पे पानी जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे जमा हो चुका है। 900 से 1000 एकड़ में फैली हुई ये ओटू झील पानी से पूरी लबालब हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि देखने में जो ये पानी हमें प्रतीत हो रहा है वो पानी एक्चुअल में उतना गहरा है नहीं। केवल और केवल 1 या 2 फीट या 3 फीट ज़्यादा से ज़्यादा ये गहरा पानी हम इसको कह सकते हैं कि होगा, क्योंकि ओटू झील की खुदाई ना होने के कारण ये जो है वो मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपको दिखाया था कि ओटू हेड बिल्कुल खाली था, पानी नहीं था। खुदाई की मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही थी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और ऑर्डर भी किए थे कि 1 जून से ओटू झील की खुदाई शुरू हो जाएगी, लेकिन केवल जो है वो 400 टन मिट्टी ही यहाँ से प्रशासन उठवा पाने में कामयाब रहा है। अब इतनी बड़ी एरिया के अंदर 400 टन क्या मायने रखती है, यूँ मान के चलें 40 से 50 बड़े ट्राले जो हैं, डंपर ट्राले जो हैं, वो ही यहाँ से मिट्टी के उठवाने के अंदर प्रशासन जो है वो कामयाब हो पाया है। खैर, अब पानी से भर चुका है, अब बात जो है वो खुदाई की अगले साल पे जा पड़ी है। तो ऐसे में अगले साल खुदाई होगी या नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस पानी की अपडेट और जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पे आप लेवल देखिएगा, लेवल की अगर बात करें तो ये वनस्पति जो हमें दिखाई दे रही है ये 647 जो लेवल लगा हुआ है उस तक जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा की बात करें तो पानी की मात्रा जो है वो 646 है या 646 होगी, आधा या 1 फीट तक ये वनस्पति जो है उसने उस लेवल को कवर कर रखा है। अब उस तरफ उसके आगे थोड़ा सा मैं आपको गेट दिखाना चाहूँगा, गेट भी जो है वो अभी तक 2 से 3 फीट तक हमें जो है वो ऊपर सूखा खाली दिखाई दे रहा है, यानी कि राजस्थान की ओर पानी जो है वो कब छोड़ा जाएगा, वो ये गेट के पानी ऊपर से जब बहने लगेगा तब जो है वो गेट को उतना ही ऊपर उठाया जाएगा जितना पानी गेट के ऊपर से जा रहा है। अगर 1 फीट तक जा रहा है तो 1 फीट गेट ऊपर किया जाएगा, 2 फीट तक जा रहा है तो 2 फीट तक किया जाएगा। अब अंदाजे की बात करूँ, अनुमान की बात करूँ तो लगभग 5 से 7 दिन तक जो है वो आगे पानी छोड़े जाने की कोई संभावना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी 3 फीट 646 फीट के लगभग है और 3 फीट तक 649 फीट तक जो है वो पानी यहाँ पे स्टॉक किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो नहरों में पानी चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। तो 649 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, 649 से ऊपर या 549 से ऊपर जो है गेट के ऊपर से पानी जब बहने लगेगा तब ये जो है वो पानी आगे राजस्थान की ओर छोड़ा जाएगा। तो अब ऐसे में अगर मैं पूरे ओटू हेड के आपको मुहाने दिखाना चाहूँ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुहाने जो है वो काफ़ी जो है खाली पड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी गहरा पानी जो है वो नीचे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पानी जो है पूरा लबालब हो जाएगा, उसके बाद आगे राजस्थान की ओर पानी छोड़े जाने की संभावना है। अगर इन दिनों के अंदर बरसात जो है वो अच्छी खासी हो जाती है तो पानी 1 या 2 दिनों के अंदर जो भी जो है वो आगे जा सकता है। अगर बरसात ज़्यादा नहीं होती है तो पानी आगे छोड़े जाने में 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का समय भी लग सकता है। तो ऐसे में अगर आपको बताना चाहूँ तो अनुमान की अगर बात करें तो इस बात
बार बरसात भी जो है वो काफ़ी अच्छी बरसात बता रखी है, संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर उस तरह से मौसम का जो पूर्वानुमान है उस हिसाब से अगर बरसात आती है तो राजस्थान के किसानों के भी इस बार पानी से वारे न्यारे होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बरसात कम होती है तो राजस्थान की ओर पानी छोड़े जाने की संभावना जो है वो बिल्कुल ही कम दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पे ओटू हेड से निकलने वाली नहरों पे जो किसान जिन किसानों के खेत लगते हैं उनसे सिंचाई जिन किसानों की होती है उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि आज से दो दिन पहले से ही जो है वो ओटू हेड से निकलने वाली सभी नहरों के अंदर पानी छोड़ दिया गया है। सभी नहरें जो है वो फुल चल रही हैं, किसी भी तरह की कोई पानी की शॉर्टेज यहाँ पर नहीं है और जब तक ओटू झील के अंदर पानी आता रहेगा तब तक वो नहरें जो है वो बंद नहीं होगी। उसके बाद जो है वो किसानों की डिमांड को देखते हुए जिस एरिया के अंदर डिमांड होगी उस एरिया में छोड़ दिया जाएगा, जिस एरिया के अंदर डिमांड नहीं होगी उस एरिया में पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ की संभावना जो है वो इस बार बहुत कम जो है वो प्रतीत हो रही है, क्योंकि जितना पानी आता होता है उतना पानी पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष बाढ़ की संभावनाएं जो है वो दिखाई ज़रूर दी थी लेकिन बाढ़ नहीं आई थी क्योंकि नदी के ऊपरी सिरे तक पानी जो है वो नहीं पहुंच पाया था और ऐसे में जो है वो पानी यहीं पे कंज्यूम कर लिया गया था। ज़्यादा पानी आया तो कुछ आगे राजस्थान की ओर छोड़ दिया गया जिससे कि वो पानी का लेवल पीछे घग्गर की बात करें तो वो और ज़्यादा डाउन हो गया। तो ऐसे में इतनी ज़्यादा बरसात नहीं इस बार बताई गई है कि बाढ़ की संभावना जो है वो आ सके, तो ऐसे में पानी इतना जरूर आ सकता है कि नदी के किनारे तक ऊपरी छोर तक जो है वो पानी जरूर लग सकता है। तो ऐसे में अगर बात करूं तो राजस्थान के किसानों के साथ साथ हरियाणा के ओटू हेड से निकलने वाली नहरों पे जो किसान लगते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर ये है कि उन किसानों के लिए पानी छोड़ दिया गया है और राजस्थान के किसानों के लिए आने वाले समय में पानी छोड़े जाने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जब भी राजस्थान की ओर पानी छोड़ा जाए तो वो अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, आपको बार बार कॉल ना करना पड़े। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है पानी कितना अगर थोड़ा बहुत भी पानी छोड़ा जाता है तो उसकी भी अपडेट जो है वो हम आप लोगों तक हम पहुँचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।